यूपी 2019 में होने वाली लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियां कितनी गंभीर हैं, इसको लेकर छोटे छोटे चुनावों को भी सियासी पार्टियां अपने मान प्रतिष्ठा का दाव लगा रही हैं। ताजा मामला बलिया जनपद से है, जहां सहकारी समिति के सभापति के चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गए। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री नारद राय ने भाजपा पर आरोप लगाया कि सपा के वोटर को बंधक बनाकर भाजपा जबरदस्ती वोट ले रही है, जिसको लेकर घंटों बवाल चलता रहा। वहीं भाजपा ने इस तरह के आरोप से इनकार करते हुए सपा के पूर्व मंत्री पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की बात दोहराई। मौसम का पारा जितनी तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, यूपी में नेताओं के तेवर भी उतने ही तल्ख होते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री नारद राय ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि सपा के वोटर को बंधक बनाकर भाजपा जबरदस्ती वोट ले रही है, जिसको लेकर घंटों बवाल चलता रहा। वहीं भाजपा ने इस तरह के आरोप से इनकार करते हुए सपा के पूर्व मंत्री पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की बात दोहराई। बलिया से शशि कुमार की रिपोर्ट। रिश्तेदार है अमरजीत दुबे जी, एक वो वोटर थे और समाजवादी पार्टी के वो वोटर राजेश यादव और ओम प्रकाश यादव जी हमारे इलाके के, ये तीन वोटर हैं जिसमें एक हमारे रिश्तेदार है और दो संतोष पांडे और एक संतोष पांडे भी। ये वोटर हम लोग के साथ हम लोग के खेमे में आकर बैठे थे जबरदस्ती ये लोग यहाँ रोड पर आए, उनको उठा कर तो कमरे में ले जाकर के बंद कर। कौन लोग उठा के ले गए? बीजेपी के लोग। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार परमात्मा पांडे थे और भारतीय जनता पार्टी ने भी किसी को उम्मीदवार बनाया था। यहाँ पर 13 वोट था जिसमें से 10 वोट समाजवादी पार्टी का, 3 वोट भाजपा का था और 1 वोट नामनी था। कुछ भी कर लेती भारतीय जनता पार्टी टीसीएफ का चुनाव नहीं जीत सकती थी, इसलिए शासन प्रशासन सबको लगा करके, यहाँ मंत्री बगल में बैठा है, संगठन के लोग बैठे हैं, सब लोग मिल करके समाजवादी पार्टी के 4 वोट को ले जा करके जबरदस्ती सड़क से उठा कर एक कमरे में बंद कर दिया। आप लोगों ने देखा है, कार्यकर्ताओं ने कमरा तोड़ दिया और जिला प्रशासन आप देख रहे हैं जिस तरह से नंगा नाच भाजपा के जिला अध्यक्ष खड़ा होकर करा रहा है। हमारे रमेश्वर पांडे जी हैं जो ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, इनका एक सगा रिश्तेदार भी उसमें बंद था और 2 और वोट 3 वोटर हैं जिनके नाम लिखे, ये बताएंगे आपको। क्यों ये कोऑपरेटिव का सहकारिता का चुनाव हो रहा है, इसमें 14 मेंबर हैं, उन्हीं के बीच वोटिंग होनी है। तो आरोप प्रत्यारोप हुआ कि हमारे वोटर को जबरदस्ती बैठाए हैं, उसकी जांच की गई तो ऐसा नहीं था, स्वेच्छा से अपना वोट दे रहे हैं। ये नेक टू नेक होता है, इसमें थोड़ी बहुत ही सब चीज़ें होती हैं। यहाँ मारपीट भी हुई, धक्का मुक्की भी हुआ नहीं, उसी को लेकर के गलतफहमी हो गई। पुलिस फोर्स हमारी कम थी, तब तक सूचना मिली, पुलिस आ गई, मदेड़ा गया, उन्होंने गलत इस तरह से कोई मारपीट या झगड़ा प्रसाद करने का प्रयास किया, सब मदेड़ा गया। अब ठीक है, चुनाव हो रहा है, 4 बजे तक वोटिंग है, उसके बाद 15 मिनट में काउंटिंग हो जाएगा। मतदान को किसी तरह से प्रभावित करने का प्रयास किया गया है, तो क्या इसके खिलाफ कार्रवाई होगी? नहीं, प्रयास किया गया लेकिन उसमें सफल नहीं हुए ना। प्रयास किया गया ना, बाधा डालने का प्रयास तो किया गया, बाधा नहीं डाला गया, हमारा कोई बाधा नहीं हुआ, हमारा चुनाव बूथ के साथ चल रहा था। याद है इसमें रंच मात्र भी सत्यता नहीं है और इस युग में भाई साहब इस भरे शहर में किसी को कोई किडनैप करके नहीं रख सकता। हमारे 2-3 वोट जो है, 2 वोट जो है वो लोग किडनैप करके रखे हैं, बता रहे हैं कि हम के वोट हैं। मैं बार बार मंत्री से करके बताइए हमारा वोट कहाँ है, हमारे वोट जिसको रखे हैं आप उस वोट कहाँ है, तो उस बताने के बजाय जो है वो अजय जी, सपा का लोगों का आरोप है कि जिला अध्यक्ष के द्वारा बैठकर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है और गलत तरीके से मतदान कर रहे प्रभावित किया जा रहा है। कोई बता दे कि कोई सरकारी मशीनरी का अगर दुरुपयोग सरकार के द्वारा किया गया है तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। बहुत बहुत कोई भी अगर कह दे कि एक अंश मात्र भी कोई एक उसका रेडियो पंचायत भी एक रेडियो कोऑपरेटिव भी कह दे कि इसमें शासन सत्ता का दुरुपयोग हुआ है तो मैं राजनीति से
इस्तीफा दे दूंगा। और देखिए राजनीति में हार जीत लगी रहती है, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता जिसके पहले बसपा में थे फिर दलों में भगवान को जाने फिर वर्तमान में कहाँ जाने वाले हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस तरह से उन्होंने गुंडई किया है यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही अशुभ संकेत। अध्यक्ष जी क्या हुआ घटना, मंत्री जी किस तरह क्यों दरवाजा तोड़ा गया? क्या दरवाजा अभी हमारे जिले के सब मंत्री तक गए बाबू कमलेश वोट उठाने के लिए। और उसमें कौन कौन लोग उसमें कुछ लोग जो है मान लीजिए हमारे पार्टी के नेता झुनू सिंह वो भी डेलीगेट है, राजनाथ पांडे जी वो भी थे। और ये है कि गुंडई के बल पर ये तो सरकारी भवन है ना खाती है जिस तरह का संसदीय शब्द का प्रयोग आपने खुद देखा।